हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड रिम्पी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आई एम एजुकेटर ऑन एकेडमी। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे कोर्सेज एंड एकेडमी पर क्रिएट किए हुए हैं। जैसे ही मैं फ्री लाइव क्लासेस लेकर आऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आप अन एकेडमी पर मुझको फॉलो करते हैं। आप वहाँ पर जाकर मुझे रेटिंग दे सकते हैं कोर्सेज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, अपना रिव्यू प्रोवाइड कर सकते हैं एंड अपना रिकमेंडेशन ज़रूर दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपको कोर्सेज अच्छे से समझ में आ रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो रही है, तो आप मुझे हैट भी डेडिकेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है टारगेट JRF एंड एक ग्रुप है टारगेट JRF बाय ग्रुप बाय रिम्पी गोयल। सो वहाँ पर डेली क्विजेज रहती है, दो पेपर वन और पेपर टू की। एंड संडे को मेगा क्विज है, यानी आज आपकी मेगा क्विज भी है इवनिंग में, जिसमें मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी, व्हाट इज बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के। तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आपको अपना स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। एंड फ्रेंड्स, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वीडियोज को चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओके। सबसे पहले जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो किन्होंने दिए थे, वे हेनरी फेयोल ने दिए थे। हेनरी फेयोल एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है फ्रांस के, ओके। किसके इंडस्ट्रियलिस्ट फेमस, फ्रांस के, जी यस। इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए, कौन सी बुक में। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत बड़े फ्रांस के, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वे डिस्क्राइब किसी ना किसी चीज़ पर तो करेंगे, तो उन्होंने कौन सी बुक में करे, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर आप एक लिंक बनाकर चले, जब आप चीज़ों को लिंक से पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, ठीक है। देखिए, ये इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे। मैनेजर्स को जो भी प्रॉब्लम्स, अगर मैनेजर्स कभी भी इन फ्यूचर कोई सिमिलर प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ये प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस की तरह काम करेंगे, मैनेजर्स को सजेशंस देंगे, ओके, एक सही डिसीजन कैसे लेना है। एंड जो मैनेजर्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को अपनी समझ से, अपनी सूझबूझ से, ठीक है, अपने इंटेलिजेंस से इनको अल्टर भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। कोई रिजिड साइंस की तरह फिक्स नहीं है, लाइक न्यूटन लॉ, उसको हम चेंज थोड़ी कर सकते हैं, एक एक्सपेरिमेंट है, एक लॉ है, लॉ को हम चेंज नहीं कर सकते। बट जो प्रिंसिपल है ये साइंस की तरह फिक्स नहीं है, ये रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रिंसिपल दिए हेनरी फेयोल ने, कौन सी बुक में दिए, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये कुछ मैंने की पॉइंट्स बनाए हैं कि प्रिंसिपल जो है वे सजेस्टिव है मैनेजर्स के लिए, प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, ओके। ये है हेनरी फेयोल, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। आप अपने माइंड में इस चीज़ को सेट कर लीजिए कि हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। ये दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स, डिवीजन ऑफ लेबर, लाइन ऑफ अथॉरिटी, सेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इक्विटी, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द कॉमन इंटरेस्ट एंड ऑल दीज आर, जिसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मैं 6 प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुकी थी, बट आज मैं स्टार्टिंग से आपको सारे प्रिंसिपल्स कराऊंगी जिससे कोई भी इशू ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क, ओके। सो व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क, इस पूरी थियोरी को हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम सिर्फ इसी पर ही फोकस करते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, ओके। सो फ्रेंड्स, डिवीजन ऑफ वर्क, इस नाम को ही समझिए, डिवीजन, काम को बांटना, किसको, वर्क को, वर्क को डिवाइड करना, यानी जो पूरा एक होल वर्क है उसको किस में डिवाइड किया जाए, पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। एंड जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक वर्कर को उस काम का जो पार्ट है उसी वर्कर को दिया जाए जो वर्कर उसको अच्छे से कर सके। अब फॉर एग्जांपल, हमें बनाने हैं फर्नीचर्स, मैं यहाँ पर एफ लिख देती हूँ, ठीक है। हमें बनाने हैं फर्नीचर्स, यानी कंपनी को फर्नीचर्स बनाने हैं, 1000 फर्नीचर बनाने हैं, ठीक है, यानी 1000 चेयर्स बनानी है, आप ये समझ लीजिए। तो जो 1000 चेयर्स हैं, इस पूरे काम को ऑर्गेनाइजेशन ने पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। तो हर एक पार्ट उसी वर्कर को दिया जाएगा जो वर्कर उसको अच्छे से कर पाए, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट, हर एक इंडिविजुअल को वही पार्ट असाइन किया जाएगा जिसमें, यानी वही पार्ट दिया जाएगा जिस पार्ट में उसको स्पेशलाइजेशन हो, जिस पार्ट में वे एफिशिएंसी लेकर आ सके, जिस पार्ट को वो अच्छे से कर सके, ठीक है, ना कि उसको पूरा का पूरा काम संभालने के लिए दे दिया जाए।
अगर इस तरीके से काम को बांटा जाए तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने टारगेट्स को अच्छे से अचीव कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ध्यान से देखिए। हम काम को दो तरीके से बांट सकते हैं। हम काम को पूरे होल वर्क को यानी दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है, पहले एग्जाम्पल देखिए। एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, उसको ऑर्डर मिला। क्या ऑर्डर मिला? 100 लेक्चर स्टैंड्स को मैन्युफैक्चर करने का। अब इस 100 लेक्चर स्टैंड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन के पास सिर्फ 5 वर्कर्स थे जो इस काम को करेंगे, इस जॉब को परफॉर्म करेंगे। अब इस ऑर्डर को किस तरीके से अकम्प्लिश किया जा सकता है, बात ये आती है। ओके सो एक सेकेंड फ्रेंड, मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ। ओके देखिए, फर्स्ट एवरी वर्कर शुड बी आस्क्ड टू कंप्लीट 20 लेक्चर स्टैंड्स। देखिए 100 लेक्चर स्टैंड है। पहला तरीका है काम को डिवाइड करने का, वो क्या है कि 5 वर्कर है, हर एक वर्कर को ये कहा जाए कि तुम 20 20 लेक्चर स्टैंड्स बनाओ। हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया, कितने आए? 20। यानी 20 लेक्चर स्टैंड्स हर एक वर्कर्स को बनाने, यानी हर एक वर्कर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा काम करना है लेक्चर स्टैंड पर। बस ये कह दिया गया कि एक वर्कर को 20 लेक्चर स्टैंड खुद बनाने हैं, ऐसे सेकंड वर्कर को 20 बनाने हैं। इस तरीके से हर एक वर्कर को 20 20 लेक्चर स्टैंड बनाने के लिए दे दिए गए। सेकेंड स्टेप क्या है फ्रेंड्स, वर्क को डिवाइड करने का दूसरा तरीका कौन सा है? द सेकेंड मेथड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर स्टैंड। अब यहाँ पर हर एक वर्कर को 20 20 लेक्चर स्टैंड नहीं बनाने, अब यहाँ पर काम को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी लेक्चर स्टैंड्स को बनाने के जो पार्ट्स है उसको डिवाइड कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि 100 लेक्चर स्टैंड्स बनाने हैं और 5 वर्कर हैं, तो 100 लेक्चर स्टैंड्स को बनाने का जो काम है, उसका उसके ऊपर वुड लगाना, उसके अंदर लोहे की जो आयरन की जो स्टिक है वे अटैच करना, उसको पेंट करना, इस तरीके से 100 लेक्चर स्टैंड्स को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हर एक वर्कर को वही काम दिया गया जिसमें वे माहिर है। कुछ कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो 100 के 100 लेक्चर स्टैंड को 100 के 100 लेक्चर स्टैंड को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। उस आयरन की स्टिक के ऊपर एक वुडन प्लेट लगाना, ठीक है, इस तरीके से सारे के सारे जो पार्ट्स। तो हाई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर है, उसको काम दिया गया कि 100 लेक्चर स्टैंड है, ठीक है, 100 लेक्चर स्टैंड पर तुमको आयरन जो आयरन की जो स्टिक है उसके ऊपर तुम्हें वुडन की प्लेट लगानी है, ठीक है, आप एक वुडन बेंच भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वर्कर को कहा गया कि तुम्हें सबको पेंट करना है 100 के 100 लेक्चर स्टैंड को, यानी पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक वर्कर को वही काम दिया गया जिसमें वे माहिर है। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अगर एक पर्सन को हमें किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल करना है तो ये ज़रूरी है कि हम उसको कुछ पावर भी दें, कुछ अथॉरिटी भी दें जिससे कि वह डिसीजन ले पाए। ओके जब तक उसके पास अथॉरिटी नहीं होगी वह इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ही नहीं। ओके व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल गिवन अ पर्टिकुलर वर्क एंड ही इज मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट एंड दिस कैन बी पॉसिबल ओनली वेन ही इज गिवन सफिशियंट अथॉरिटी। सेम वही बात की गई है जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में आपसे एक्सप्लेन करी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसिप्लिन। थर्ड प्रिंसिपल है जो हेनरी फ्योल ने दिया था, दैट इज डिसिप्लिन। अगर एक कंपनी के अंदर सभी मैनेजर्स एक डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, प्रॉपर रूल्स एस्टेब्लिश है, सभी को क्लियर है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या अथॉरिटीज है, सुपीरियर के साथ क्या रिलेशन है, सबॉर्डिनेट के साथ क्या रिलेशन है, तो इस तरीके से अगर एक फर्म के अंदर एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है तो भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वह सक्सेस जरूर अचीव करेगी। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स द कॉमन एफर्ट ऑफ वर्कर्स, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव करनी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि सभी वर्कर्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर मेहनत करें, मिलकर काम करें। और जब डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। विदाउट डिसिप्लिन चीज़ें क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, मैस हो जाएगी, किसी को कुछ चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को कौन सॉल्व कर सकता है? सिर्फ डिसिप्लिन ही सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सेकेंड क्या कहा गया है कि अगर कोई चीज़ तरीके से नहीं हो रही, सही से काम नहीं हो रहा, तो वहाँ पर पेनालिटीज़ भी लगाई जाए। अगर पेनालिटीज़ लगाई जाएंगी, फाइंस लगाए जाएंगे, तो इस तरीके से सभी के अंदर एक डर रहेगा कि हमें काम अच्छे से करना है, अदरवाइज हम पर पेनालिटी लगा दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन
इन टेक्निक्स का यूज़ करके लाइक पेनालिटी लगाना, मोटिवेट करना, सारे रूल्स क्लियर करना, ये सारी चीज़ें जब कंपनी यूज़ करेगी तो एक कॉमन एफर्ट को एंकरेज किया जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव करेगी। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन सिर्फ कंपनी में ही नहीं, हर चीज में, यानी हर लाइफ के हर एस्पेक्ट पर डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पर मूव करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर थियोरी नहीं लिखा, मैंने चीज़ों को पिक्चराइज किया है, जिससे आप पिक्चर को अपने माइंड में सेट करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड, हम यहाँ पर थियोरी को पढ़ने से पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ओके, हम यहाँ पर करने वाले हैं इंडक्टिव लर्निंग। ओके, सो फर्स्ट आई गिव एग्जाम्पल, देन हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दो ग्रुप है ए एंड बी। ओके, सॉरी, आई मीन टू से एक ग्रुप है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10 वर्कर्स का एक ग्रुप है, उसको दो बॉस मिलकर संभाल रहे हैं, यानी जो 10 ये वर्कर्स का जो ग्रुप है उसको दो बॉस मिलकर संभाल रहे हैं, ए एंड बी। ओके, अब यूनिटी ऑफ कमांड इस चीज़ को वायलेट करता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि अगर 10 वर्कर्स है एक ग्रुप है, यानी अगर एक ग्रुप को दो बॉस मिलकर संभालते हैं, तो इससे इन दोनों बॉसेस के बीच में ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स आई मीन टू से कि ए को लगे, ए चाहेगा कि जो 10 वर्कर्स है वे मेरे डिसीजंस को फॉलो करें, बी चाहेगा वे मेरे डिसीजंस को फॉलो करें, तो ए और बी के बीच में क्वार झगड़े होने के चांसेस हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्यूजन होने के चांसेस हो सकते हैं, जिसका फर्क किस पर पड़ेगा, कंपनी की परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। जो ये 10 वर्कर्स, अगर इनको अच्छे से डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी बॉस से, सुपीरियर से, तो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड इसको वॉयलेट करता है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि हर एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, यानी एक ग्रुप का या फिर एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस है, एक ही कमांडर होना चाहिए। जो सबॉर्डिनेट्स है वे सिर्फ एक ही सुपीरियर को सबॉर्डिनेट रिपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल 10 वर्कर्स है, अब बी है ये, ठीक है, अब जो बी है ये बी इनका ग्रुप, इनका बॉस नहीं है, तो जो ये 10 वर्कर्स हैं इनको पता है कि हमें ए ही डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हमें ए को ही रिपोर्ट करना है, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो ये क्या कहता है सेकंड पॉइंट में कि हर एक सबॉर्डिनेट को पता होना चाहिए कि उसको सुपीरियर कौन है और उसे किसे रिपोर्ट करना है। तो हर एक सबॉर्डिनेट का या एक ग्रुप का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए जिसको उन्हें रिपोर्ट करनी है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है, अगर कुक्स को सूप बनाने के लिए कह दिया जाए और एक सूप को बनाने के लिए 10 कुक मिलकर काम करें, तो वह सूप खराब होना ही होना है। हर एक कुक अपनी अपनी वेरिएशन करेगा उस सूप के अंदर, तो उस सूप का आप समझ लीजिए टेस्ट कैसा होगा, तो जो सूप है वह स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कितनी अच्छी बात कही गई है इस प्रोवर्ब में कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप, अगर काफ़ी सारे कुक्स मिलकर एक सूप को बनाए तो वह सूप भी खराब हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि एक वर्कर का या फिर एक ग्रुप का एक ही बॉस होना चाहिए जिसको उनसे कमांड मिले, डायरेक्शन मिले। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन मैनेजर। यहाँ पर आप एग्जांपल पिक्चर देखिए, यहाँ पर ये जो है रेड में आप देख रही है, एक मैनेजर है जो इतने सारे वर्कर्स को संभाल रहा है। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इन अ कॉमन डायरेक्शन, यानी जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबका भी सारे के सारे जो है एक ही ऑब्जेक्टिव में मूव होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का ऑब्जेक्टिव है 1 करोड़ सेल्स का टारगेट अचीव करने का, ठीक है, कि हमें इतना रिवेन्यू अर्न करना है सेल्स से 1 करोड़ रुपीज का। तो जितने भी पीपल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वेदर वर्कर्स, मैनेजर्स, ठीक है, वे सारे के सारे सिर्फ इसी डायरेक्शन की तरफ मूव होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितने भी वर्कर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स जब काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वे ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट के लिए काम करें, ना कि इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए। अगर मैनेजर ये चाहे कि मुझे अच्छी सैलरी मिले, वर्कर्स ये चाहेंगे मुझे मैक्सिमम वेजेस मिले, ठीक है, एम्प्लॉयज ये चाहेंगे कि हमें अच्छा रेमुनरेशन मिले, तो ये हो गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट। बट ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि प्रिंसिपल ये कहता है कि जितने भी वर्कर्स या जितने भी एम्प्लॉयज या मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए
कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, हमें अपने फर्म की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, हमें अपने फर्म के लिए काम करना है, अगर उनका ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल से शिफ्ट होकर जनरल मूव हो जाता है तो ऑटोमेटिक इनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी का 1 करोड़ का टारगेट रिवेन्यू का अचीव हो जाता है तो सीधी सी बात है एम्प्लॉयर्स को, मैनेजर्स को बोनसेस मिलेंगे, वर्कर्स को बोनस मिलेगा, तो सीधी सी बात है सभी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। तो यही कह रहा है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बजाय जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। देखिए, द इंटरेस्ट ऑफ वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। प्रायोरिटी पर क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि खुद का पर्सनल इंटरेस्ट। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉयज। इसमें क्या कह रहे हैं, मैनी वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग, सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, जनरल बिजनेस कंडीशन, सक्सेस ऑफ द बिजनेस। यानी जब भी हमें किसी वर्कर की, एम्प्लॉय की या मैनेजर की तनख्वाह फिक्स करनी है, रेम्युनरेशन फिक्स करनी है, तो रेम्युनरेशन फिक्स करने के लिए ये सारे के सारे वेरिएबल्स कंसिडर करने चाहिए, सारे के सारे वेरिएबल्स को माइंड में रखकर रेम्युनरेशन डिसाइड करनी चाहिए और उसको उसके काम के अकॉर्डिंग ही रेम्युनरेशन दी जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कंपनी के, वे सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, यानी वे डिसीजन सिर्फ टॉप मैनेजर्स या जिसको अथॉरिटी सिर्फ वही ले। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है ऐसे डिसीजंस जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कम इम्पॉर्टेंट है, उसे हमें ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, डेलीगेट कर देना चाहिए मिडल मैनेजमेंट को, या फिर उनको जो डिसीजन को अच्छे से ले पाए। हम पढ़ते हैं यहाँ पर ये सेंटेंस, ही फील दैट सुपीरियर शुड कीप द अथॉरिटी ऑफ टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन देयर ओन हैंड्स। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो सुपीरियर्स होती है उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वे सेंट्रलाइज इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके खुद। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केलर चैन की। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्केलर चैन। ये एक फॉर्मल लाइन है अथॉरिटी की, यानी ये फॉर्मल कम्युनिकेशन भी आप कह सकते हैं कि जिसमें एक अथॉरिटी मूव होती है हाईएस्ट से लेके लोवेस्ट रैंक तक एक स्ट्रेट लाइन में। इसको हम फ्योल्स लैडर भी कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है इसका, जो गैंग प्लैंक है, ये एक्सेप्शन इस प्रिंसिपल का। अब पहले हम पढ़ेंगे स्केलर चेन क्या होती है, फिर हम इसकी एक्सेप्शन की बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्केलर चेन मतलब एक ऐसी फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी जो हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक में मूव करती है स्ट्रेट लाइन में। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ए को एन से बात करनी है, ये टॉप मैनेजर है फॉर एग्जाम्पल, ये सबॉर्डिनेट्स है। ठीक है, अगर ए को एम से बात करनी है तो पहले ए को एल के पास मैसेज देना होगा, फिर एल को एम के पास देना होगा, फिर एम को एन के पास देना होगा। इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है वे फ्लो करेगी। ठीक है, ये होती है स्केलर चेन। बट गैंग प्लैंक इसका एक्सेप्शन है, यानी गैंग प्लैंक जो है स्केलर चेन के प्रिंसिपल को फेल कर देता है, स्केलर चेन के प्रिंसिपल को नहीं मानता। ये एक्सेप्शन हम कब लेते हैं? जब हमें कंपनी को कोई बहुत इमरजेंसी में डिसीजन लेना हो, बहुत फास्ट डिसीजन लेना हो, उस केस में गैंग प्लैंक यूज किया जाता है। बिकॉज फ्रेंड्स, अगर ए को एन से कोई बात करनी है, कोई उसकी गाइडेंस चाहिए या कुछ उसे इन्फॉर्म करना है, अगर ए पहले इन्फॉर्मेशन एल के पास जाएगी, फिर एम के पास, फिर एन के पास, तो इससे काफ़ी डिले हो सकता है एक डिसीजन तक पहुँचने के लिए। और जो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है, वे जो अपॉर्चुनिटी कंपनी के हाथों से निकल सकती है। ओके, सो इसीलिए गैंग प्लैंक का यूज किया जाता है। गैंग प्लैंक क्या कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल एफ को पी से बात करनी है, तो एफ को ये इतनी बड़ी अथॉरिटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, गैंग प्लैंक की हेल्प से एफ डायरेक्टली पी से बात कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, ध्यान दीजिएगा। अ राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब एंड राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट अ राइट प्लेस। यानी जो पर्सन उस जॉब के लिए बिल्कुल सही, यानी एक जॉब है फॉर एग्जांपल कंपनी में, हमें उस पर एक पर्सन को अपॉइंट करना है, उस जॉब पर उसी पर्सन को अपॉइंट किया जाए जिसको पूरा एक्सपीरियंस हो, प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो, उसको अच्छे से संभाल पाए। ठीक है, अब कंपनी, ये रही बात राइट पर्सन की, अब बात आती है राइट थिंग की। एंड जब भी वर्कर्स प्रोडक्शन करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हर वर्कर्स को हर एक चीज़ टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए, जगह पर अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि वे चीज़ों को स्मूथली कर सके बिना किसी हाइंड्रेंस के और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। अब एंटरप्राइज के दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, पहला ऑर्डर होता है मटेरियल ऑर्डर, दूसरा होता है सोशल ऑर्डर।
ठीक है, हर एक रिसोर्सेज की प्रॉपर प्लेसमेंट हो, चाहे वे मैन है, ठीक है, मनी है, मटेरियल है, एक्सेट्रा। अगर कोई भी चीज़ मिसप्लेस है तो उसका क्या हो सकता है, उसका रिसोर्सेज का मिसयूज हो सकता है और डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, इक्विटी। यानी यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जाए, पार्शलिटी का कोई भी चांस ना हो। फेयर्स यहाँ पे क्या कहते हैं, विद दिस प्रिंसिपल दैट देयर शुड नॉट बी एनी इक्वालिटी ऑफ अ ट्रीटमेंट बिटवीन अ पर्सन हुज वर्क इज रियली गुड एंड अ पर्सन हु इज अ शर्कर बाय नेचर। फ्रेंड, इसके पीछे बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना आपको। इक्वालिटी का मतलब हमने पढ़ा कि सभी एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट किया जाए, बट वेट अ सेकेंड, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी बात अपने माइंड में रखनी है। इक्वल ट्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि जो वर्कर शर्कर है, जो कामचोर है, और जो वर्कर मेहनती है, लेबोरियस है, हार्ड वर्किंग है पूरा, उन दोनों को इक्वल ट्रीट किया जाए, यहाँ पर ये मतलब नहीं है। यहाँ पर ये मतलब है कि जो पर्सन जैसा है, जो वर्कर शर्कर है, जो वर्कर हार्ड वर्कर है, उसको उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग वैसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। कोई डाउट है तो मुझसे एग्जाम्पल में पूछिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल मतलब जो कंपनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो पर्सोनल है वे उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो पढ़ते हैं। रिटेनिंग प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज शुड ऑलवेज बी हाई प्रायोरिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो एम्प्लॉयज काफ़ी प्रोडक्टिव है कंपनी के लिए, बहुत बेनिफिशियल है कंपनी के लिए, कंपनी को उन पर्सोनल को अपने कंपनी में स्टेबल रखना होगा, ये कंपनी की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कोस्ट एज वेल एज इंक्रीज प्रोडक्ट रिजेक्ट रेट्स आर यूजली एसोसिएटेड विद हायरिंग न्यू वर्कर्स। बिकॉज अगर पर्सोनल्स कंपनी से बहुत ज़्यादा मतलब कंपनी से भाग रहे हैं, कंपनी में नहीं बैठ पा रहे, कंपनी में जो पर्सोनल्स है वे मतलब स्टे नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या होगा, कंपनी को बार बार रिक्रूट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन फ्री में नहीं होती, कॉस्ट लगती है, तो कंपनी की कॉस्ट ज़्यादा आएगी हर बार नए वर्कर्स को हायर करने में, ट्रेनिंग करने में, तो कंपनी की ग्रोथ की बजाय कंपनी डाउन में चली जाएगी। इसलिए प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो पर्सोनल है, खासकर वो जो हाई जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज हैं, उनको कंपनी को अपने पास संभाल कर रखना चाहिए, उनको अच्छे अच्छे उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कंपनी उनको प्रमोशन दे सकती है, उनकी सैलरी इंक्रीज कर सकती है, उनके लिए अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर सकती है। ओके, सेमिनार्स लॉन्च कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, मैनेजमेंट शुड टेक स्टेप्स टू एनकरेज वर्कर, कि मैनेजमेंट को वर्कर्स को भी एनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वे भी कुछ नया ले, कुछ नया सोच लेकर आए, कुछ नया इनिशिएटिव लेकर आए। ठीक है, एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डे कॉप्स। एस्पिरिट डे कॉप्स ज़्यादा एफर्ट टीम वर्क पर करता है, हार्मनी पर करता है, कोऑर्डिनेशन पर करता है एम्प्लॉयज के बीच में, दैट्स इट। अगर एस्पिरिट डे कॉप्स का प्रिंसिपल फॉलो होता है तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हार्मनी, कोऑर्डिनेशन, गुड फीलिंग्स एम्प्लॉयज के बीच में, टीम वर्क को दिखाया गया है। ये एस्पिरिट डे कॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लानिंग। आज हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। आप टेलीग्राम चैनल टारगेट जेएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, आरजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, थैंक यू।